इस सदन को स्थगित करने पर क्या कहेंगे? वो तो हंगामा करना उनकी आदतों में शुमार करेंगे, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के आंखों में मिर्ची पाउडर फेंकना कौन सा अपराध है। ये काम बीजेपी ने कल किया है, इंटायर लीडरशिप को इसके लिए दोषी ठहराते हुए मुकदमा चलना चाहिए। पुलिस कर्मियों के आंखों में मिर्ची पाउडर डालना अपने आप में क्राइम है, जो कल बीजेपी वालों ने किया। आज तक पटना में इतना प्रदर्शन हुआ, विभिन्न संगठनों ने अनेक मौकों पर किया है, कभी भी मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों ने नहीं किया। यह आपराधिक काम है। कश्मीर में आतंकवादी ये सब काम करते हैं सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ, ट्रेन में बस में छोटे मोटे चोर पॉकेटमार सभी काम करता है, या मिर्ची पाउडर डालता है। यह काम कर बीजेपी इस पर बीजेपी एक शब्द नहीं बोल रही। यहाँ हंगामा करने की वजह उसे बताए, उसे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के आंखों में मिर्ची पाउडर क्यों फेंका, क्या वो क्राइम है कि नहीं है, इसके लिए कौन दोषी है? देखिए सर, किस तरीके से कल हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जो लाठीचार्ज होता है वो कमर के नीचे होता है, लेकिन सर फटे हैं लोगों के, पीठ पे चोट लगा है। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन जब भी हुआ है, जिस संगठन ने किया है उसे रोका जाता है, वो पुलिस का काम, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन मिर्ची पाउडर डालना क्या हुआ है? यह पहली बार किया जो बीजेपी ने किया, इस पर बीजेपी वालों को पहले जवाब चाहिए। विधायकों को भी पीटा गया बहुत बुरी तरह। प्रदर्शन में जब लाठी चार्ज होता है या रोका जाता है तो ये थोड़ा आइडेंटिफाई किया जाता है कौन साधारण कार्यकर्ता है, कोई एमपी है, कोई एमएलए। उन्हें खुद कानून का पालन करना चाहिए था, प्रतिबंधित क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए था।